इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने। पहले तो ये बताइएगा, ये जो यूरोपियन यूनियन की रेजोल्यूशन उनके पार्लियामेंट में सामने आई है, जिसमें एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए गए हैं, एक चार्जशीट जो है वो उन्होंने पेश की है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, माइनॉरिटीज़ के राइट्स ना देने पर। इस पर हमारा रिएक्शन तो ये आया है, रद्द अमल तो ये आया है कि जी बड़ा अफसोसनाक है और उन्हें हमारी जो यहाँ अंदरूनी मामलात हैं या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट हम इस सिलसिले में कर क्या सकते हैं अगर वो जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लेते हैं? देखिए, बात यह है कि अभी ये जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो उन्होंने हमारा मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर ही एक्सटेंड किया है पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान के हमारा फॉरेन ऑफिस है वो भी इस मामले को देख रहा है और इस हवाले से वहाँ पर जो पाकिस्तान के हमारे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो पाकिस्तान के नुमाइंदगान हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी जो है वो मुतहरक हैं और पाकिस्तान को भी कंसर्न है इस हवाले से। और आपके इलम में है कि जिस चीज़ को वो बुनियाद बनाकर जो है वो पेश कर रहे हैं उस हवाले से एक पाकिस्तान के अंदर और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक ख़ास सेंटीमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और ये तो नहीं हो सकता कि हम वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर वेस्ट के अंदर आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तोहीन करें और उनकी हुरमत के लिए, तो हमें भी आवाज़ उठाना हमारा भी हक है। और अगर यही बात वज़ीर आज़म साहब ने की कि अगर होलोकास्ट के ऊपर जो है वो बात करना जुर्म है तो इस पे भी बात करना फिर जो है वो जुर्म होना चाहिए, क्योंकि जज्बात तो फिर सबके एक जैसे हैं और हमारे तो इससे ज़्यादा जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं। जी, बट वो इसी रेजोल्यूशन में आपने देखा वो लगाओ इसके साथ जुड़ा हुआ मेंबर जो है उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो कैसे होलोकास्ट को इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, ये उनके अल्फाज थे इस स्पीच के दौरान। देखें, बात ये है कि वहाँ देखें बात ये है हम तो एक अपना आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं ना। हमारा तो मानना यह है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर, जो मैं समझता हूँ कि एक हमारा व्यू है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आप किस तरह किसी एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जो है वो दिल आजारी कर सकते हैं। अगर एक खास मजहब के लोगों को एक एक जो हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ अगर उस पर बात करने के ऊपर उनको तकलीफ होती है, उस वजह से उसको उन्होंने वहां पर बैन कर दिया, जुर्म बना दिया, तो क्यों फिर इसको क्यों ना जुर्म बनाया जाए, फिर ये दोहरा मियार क्यों चल सकता है? तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब ने भी एक वे फॉरवर्ड जो है वो पेश किया कि तमाम हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे होकर इस पे आवाज बुलंद करें, और इसको यकीनन जो है वो हमारा फॉरेन ऑफिस देख रहा है, वो इसको रिस्पॉन्ड भी किया है, फॉरेन ऑफिस देख रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन मुझे ये बताएं जावेद अब्बासी साहब, ऑब्वियसली ये मामला जो है बहुत सेंसिटिव है, बड़ी रिलीजियस सेंसिटिविटीज इससे जुड़ी हुई हैं। आप हम सब अपने जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं या जुडिशल सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं या फिर जिन लॉज का हम जिक्र कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अगर गलत उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो लॉज अब्यूज होते हैं, तो वो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आप एक इंटरनेशनली यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां की रेजोल्यूशन सामने आ गई है, 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जिस जो जो आप जिन पर इंप्लीमेंट करने के पाबंद हैं वो कहते हैं कि जी आप नहीं कर रहे हैं। अब उनका जो भी मौकफ हो वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपसे अगर ये स्टेटस वापस ले लेते हैं तो फिर क्या होना, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि ये वो इशू है जिसपे मैं पीएमएलएन, पीटीआई या पीपल्स पार्टी नहीं देख रही हूं, ये इस मुल्क का मामला है। मैं समझता हूँ कि ये जो बात हुई है ये हुकूमत को देखनी चाहिए, और हुकूमत से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे वहाँ यूरोपीय यूनियन के में हमारे जो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को ज़रूर उनको रियलाइज़ करवाएं। जो बात उन्होंने रेजोल्यूशन में कही है उसमें कोई बहुत ज़्यादा सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ह्यूमन राइट की वायलेशन ना ऐसी कहीं नज़र आती है, अगर कोई एक आध इंडिविजुअल ऐसा केस हुआ है जिसको वो सामने रख कर ये बात करें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, हमारा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाबस्तगी है, जो हमारा ईमान का तल्लुक है, जो हमारा लगाव है, जो हमारा एक मौकफ है, उस पर तो शायद हम पीछे ना हट सके और ना हमें हटना चाहिए। और वो यूरोपी यूनियन अगर कोई दबाव डालकर कोई चीज़ अपनी मनवाना चाहती है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी लॉबी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है जिसने ये सारा मामला जो है ये अंदर अंदर से ये काम कर रही थी। और वो लॉबी कई तरह से भी हो सकती है, उसके अपना एजेंडा होता है, वो अपना एजेंडा करके ये सारा काम कर रही है। हमें उस लॉबी को भी बेनकाब करना चाहिए, दुनिया को दाब बताना चाहिए, उन ममालिक को बताना चाहिए, यूरोपियन जो हमारे हाँ यूरोपीय यूनियन के सफीर जहाँ हैं उनको बुला के ब्रीफिंग देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जहाँ जिस तरह हमारे आइन में प्रोटेक्शन है मिनॉरिटीज़ को, जिस तरह हमारे नबी ने कहा है, जिस तरह हमारे लोग इस माशरे में उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इससे कोई एक चीज़ का भी शबा नहीं है जो वो अपनी बातें कर रहे हैं। उनका एक अपना एजेंडा है, मुझे लगता है कि ये एजेंडा जो है ये खास उन्हें किसी तरह से फीड किया गया है और ये फीड करके बातें की जा रही हैं। और उनका ख्याल है कि ये दबाव डालकर कोई मुसलमाना से कोई ऐसी बात मनवा ले या मनवाना वो चाहते हैं तो वो हमारे ईमान का हिस्सा है, ना ऐसा हो सकता है ना कभी होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल केस उनके सामने आता है उसे डिस्कस किया जा सकता है। ये एक जिम्मेदार हमारी रियासत है, यहाँ किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती। कोई एक आध इंडिविजुअल केस अगर हो हुआ हो जिस एक इंडिविजुअल केस का इन्होंने जिक्र किया ना, ये उस रेजोल्यूशन के अंदर जिक्र किया गया, जितने भी मेंबर्स की पार्लियामेंट के अंदर स्पीच हुई वो जिक्र कर रहे थे कि 2014 में ये सजा दी गई थी, ब्लास्फेमी चार्जेस लगे थे एक कपल पर, शफकत इमैनुअल और शगुफ्ता कौसर पर, उसकी ये बात कर रहे हैं कि जी अभी तक उनकी हेयरिंग नहीं हुई है और वो हाई कोर्ट में उनकी अपील है सुनाई नहीं, सुननी जो है वो नहीं जा रही है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें बात की गई है। हजारों और केसेस हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग्स हैं, एक अपील है, उसका तरीकाकार है, उसके मुताबिक लगती है, कोई सी केस के मुतालिक नहीं लगाई जाती कि कौन से केस की अपील पहले लगती है। वो जिस तरह जिस हर साल के तौर पर अपीलें जा रही होती हैं वो हाई कोर्ट में भी लगती है। और ये डिमांड पाकिस्तान के लोग भी कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जल्दी हमारे केसेस सुने जाएं, तो ये केसेस तो किया जा सकता है, ये सुना जा सकता है, उसके लिए उनके वकील जल्दी हेयरिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन इन ममालिक अगर आप हाल देख लें, इन ममालिक में जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, ये जो जिस तरह ये इन्होंने, मैं हजारों केस इनके गिनवा सकता हूँ यूरोपीय यूनियन में, इन्होंने क्या किया दुनिया के साथ नहीं किया जो आज सारे को आकर हमें जो है ये खुद भाषण देते हैं। जरूर इनके पास तरक्की है, ये नेपोलियन हमारा पैदा किया, हमने पैदा नहीं किया, यहाँ पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज आज फ्रांस में आप जानते हो फ्रांस के जो सफीर थे, जो एम्बेसडर थे, उनको निकालने के लिए पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक पार्टी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, धरना किया। इमरान खान ने उनकी डिमांड मानी और फ्रांस के खिलाफ पार्लियामेंट में एक बिल लाने की घोषणा कर दी। अगर उस बिल में नंबर आए तो फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही फ्रांस ने अपने जो नागरिक थे जो वहाँ पर पाकिस्तान में थे सफीर को छोड़कर, उन्हें वैसे भी पाकिस्तान से बुला लिया। उसके बाद फ्रांस डेफिनेटली तैयारी में था कि पाकिस्तान को किस तरीके से हम सबक सिखाएं, और उन्होंने आज सबक सिखाने के लिए पहला एक्शन ले लिया है। उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया उसका पाकिस्तानी मीडिया में रिएक्शन आ रहा है कि फ्रांस पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पर, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पर बात कर रहा है। तो भैया तुमने, अरे राष्ट्रपति ने इंटरनल मैटर पर, फ्रांस के इंटरनल मैटर पर ट्वीट किया था, फ्रांस जो कुछ भी कानून बनाए, जो कुछ भी इस्लाम कट्टरपंथियों के खिलाफ कानून बनाए उस पर तुम्हारे राष्ट्रपति ने इंटरनल मैटर पर ट्वीट किया, तुम्हारे यहाँ फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ उनके इंटरनल मैटर पर, तो तुम फिर क्यों उछल रहे हो? मतलब आप पाकिस्तानी मीडिया की हिपोक्रेसी देख सकते हो गाइज। ये ऐसी हिपोक्रेटिक कौम है, इनको कुछ पता नहीं रहता। इनके मुल्क में आग लग जाती है, किसी दूसरे मुल्क के किसी तीसरे आदमी ने कुछ ऐसा काम कर दिया, इनके मुल्क में आग लग जाती है। इन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने एक दूसरे के दुश्मन हैं। आपको पता होगा दोस्तों, पाकिस्तान में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें कितने सारे लोग मारे गए। मुसलमान फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुस्लिम को रमज़ान में मारा, और मजबूरी भी थी क्योंकि वो लोग एम्बुलेंस को मतलब निकलने नहीं दे रहे थे, हॉस्पिटल में घुस घुस कर लोगों को पीट रहे थे, इस तरीके की हरकतें थी। और ये आंदोलन फिर से 3-4 दिन में आग फिर से भड़क सकती है, क्योंकि जो इस आंदोलन के लीडर थे साद रिज़वी, अभी तक उनको अरेस्ट किया हुआ है और अभी तक उनको रिलीज़ नहीं किया गया है।
तो अब शायद आंदोलन का केंद्र वो बन जाए और उन्हें रिलीज करने के लिए आंदोलन हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है, आपको उसके वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए।